हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग थोड़ा आगे आएंगे तो बहुत जगह है यहाँ पर, तो बाकी भक्त फिर बाद में पीछे बैठ सकते हैं। तो सभी का स्वागत है हमारी जो श्रृंखला चल रही है। हमने जो प्रारंभ किया था 10 एक्यूजेशंस अगेंस्ट गीता, भगवद गीता के ऊपर जो 10 प्रकार के आरोप सामान्य जनता लगाती है, कौन कौन से आरोप हमने इसकी चर्चा की थी। तो ये लगभग जो है वो 10 आरोप भगवदगीता पर हमने देखे, लिस्ट किए हुए हैं। और हम लोग जो है वो अभी पहले 3 हमारे हो गए और चौथा आरोप हम लोग ले रहे हैं कि भगवदगीता जो है वो आज के जीवन में हम लोग नहीं लागू कर सकते, ऐसा लोगों की गलत धारणा होती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवदगीता जो है वो आज के जीवन में इन सारे क्षेत्रों में हमारी सहायता कर सकती है, स्वास्थ्य अच्छा रखने में, मैनेजमेंट या नेतृत्व करने में, समय व्यवस्थापन करने में, समाज की समस्याओं को सुलझाने में। भगवद्गीता में बहुत हद तक विज्ञान भी छिपा हुआ है और व्यक्तिगत जीवन मूल्यों को सुधारने के लिए भी भगवद्गीता हमारी मदद करती है। तो हमने जो है वो हमारे पिछले सिटिंग में भगवद्गीता और मैनेजमेंट इसकी चर्चा करते हुए 20 लीडरशिप प्रिंसिपल्स फ्रॉम भगवद्गीता इसकी हमने चर्चा की है। और अगर आपको याद है तो पिछले बुधवार को हमने इसमें से 2 सिद्धांत लिए थे, कॉन्सेप्ट ऑफ राजर्षि मॉडल, ये इसकी हमने चर्चा की थी, जो कि भगवद्गीता के 4th अध्याय के 2 श्लोक में ये जो शब्द आता है राजर्षि, हमने देखा था कि किस प्रकार से जो राजर्षि है वो 2 शब्दों से बना हुआ है, ये राजा और ऋषि। राजा हमें दर्शाता है बाहरी शक्ति और ऋषि हमें बताता है अंदरूनी विजडम, इसकी हमने चर्चा की थी। तो हमने फिर उसके बाद देखा था राजा माइनस ऋषि और राजा प्लस ऋषि, इनमें क्या अंतर होता है। राजा माइनस ऋषि सोचता है कि हाउ मच मोर डू आई नीड टू बी हैप्पी, आनंदी बनने के लिए मुझे और कितने चीजों को एकत्रित करना होगा। और राजा प्लस ऋषि सोचता है कि कितना कम से कम मैं मेरे पास रखूं और उसमें मैं आनंद ढूंढूं। राजा माइनस ऋषि सोचता है कि आई एम बेटर देन एवरीवन, सबसे मैं सर्वश्रेष्ठ हूं जैसा दुर्योधन। और राजा प्लस ऋषि थिंग्स दैट एवरीवन इज बेटर देन मी, मेरे से सभी लोग श्रेष्ठ है, जैसा कि युधिष्ठिर महाराज हमने देखा था। राजा माइनस ऋषि जो है वो आसक्त होता है और राजा प्लस ऋषि अनासक्त होता है। उसके बाद हमने देखा था कि एटीट्यूड ऑफ कंजम्पशन और एटीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ये राजा माइनस ऋषि और राजा प्लस ऋषि में अंतर होता है। और हमने कुछ एट्रीब्यूट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन देखे थे कि अगर हमें किसी संस्था में या भगवान की सेवा में या कोई सी भी सेवा में जो है वो अगर कंट्रीब्यूशन कुछ करना है तो वो जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें इतने सारे जो है वो घटक होने चाहिए। और हमने चर्चा की थी 20वां लीडरशिप सूत्र, नॉलेज वर्सेस विजडम, डेटा उसके बाद है इंफॉर्मेशन, उसके बाद है नॉलेज, उसके बाद है विजडम और उसके बाद जो है वो एनलाइटनमेंट। तो ये सब चर्चा अभी तक हम लोग कर चुके हैं। तो अभी हम लोग जो मुद्दा देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवद्गीता इन सभी मुद्दों में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करती है। और हमने स्वास्थ्य ले चुके हैं हम लोग, मैनेजमेंट नेतृत्व, उसमें हम लोग 20 लीडरशिप प्रिंसिपल्स ले चुके हैं कई सारे विभागों में। और अगला मुद्दा जो है वो इसमें वो है समय व्यवस्थापन, जो कि आज एक कॉमन बजवर्ड जिसे कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट, आप सब लोगों ने सुना होगा। जैसे मैंने एक भक्त को बताया कि आज का सेमिनार हमारा इसके ऊपर होने वाला है, भगवद्गीता और टाइम मैनेजमेंट, तो कहते भगवद्गीता से क्या क्या निकालते हैं आप, हमेशा कुछ ना कुछ निकालते रहते। तो भगवद्गीता में सब कुछ है एक्चुअली, और उसका जितना हम लोग प्रयोग करें उतना हमारा जीवन जो है वो अधिक सफल हो सकता है। तो सबसे पहला है भगवद्गीता और समय व्यवस्थापन, टाइम मैनेजमेंट। तो ये इतना महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, एक फिलोसोफर वो कहते हैं कि टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट वी हैव, बट टाइम इज द वर्स्ट, वी यूज इट इन अ वर्स्ट पॉसिबल वे। इतनी अच्छी उपलब्धि है हमारे पास समय, जो समय है वो, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं। कई बार हम लोग, आपने भी इसका अनुभव किया होगा, हम लोग कहते हैं कि आप मंदिर में आइए, तो सर्वप्रथम बहाना क्या दिया जाता है लोगों द्वारा,
सबसे पहला नो टाइम, समय नहीं है। अभी जो गीता मैराथन का महीना है, हम लोग भगवत गीता वितरित करते हैं, तो लोग कहते हैं कि मुझे लेने की तो बहुत इच्छा है लेकिन मेरे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है, समय की कमी है। तो हम लोग उन्हें कहते हैं कि देखो, जो इस दुनिया में जो लोग फेल हुए हैं उनके पास भी 24 घंटा है, और जो लोग लखपति या करोड़पति बने हुए हैं उनके पास भी कितना समय है, 24 ही घंटा हर एक व्यक्ति के पास। तो हम लोग किस प्रकार से चयन करते हैं हमारे निर्णयों को। जय श्री राधा मदन गोपाल भगवान की, ललिता विशाखा देवी की, श्रील प्रभुपाद की। तो हम लोग जो वो किस प्रकार से जो हमारे डिसीजंस लेते हैं अलग अलग क्षणों पर, ये निर्भर करता है हमारा भविष्य क्या होगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कई बार ये जो लोग बताते हैं कि हम बहुत ही बिजी है, हमारे पास समय नहीं है, तो अगर और उसके विपरीत भी कई सारी चीजें हम लोग देखते हैं, लोग समय ऐसे ही गंवा देते हैं, टाइम पास, ये भी शब्द बहुत कॉमन है। हम लोग एक बार रेल से जा रहे थे, तो रेल से एक व्यक्ति मूंगफली बेचते जा रहा था, लोकल में वो लोग घीत लेके इतना बड़ा बोरी लेके भर के जाते हैं, चला टाइम पास टाइम पास मूंगफली ऐसे लेके। तो वो लोग मतलब क्या बेच रहे, टाइम पास बेच रहा है वो। तो मतलब आपका टाइम अगर नहीं कट रहा होगा तो आपको टाइम का पास करने में हम आपकी सहायता करते हैं, आप ये मूंगफली खरीदो टाइम पास। तो लोग टाइम पास भी करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो सही में व्यस्त होते हैं, उनके पास समय नहीं होता, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे एक छोटे से वीडियो से, जो एक बिजी लाइफस्टाइल एक व्यक्ति का कैसे होता है उसको हमें दर्शाता है। तो ये एक फिल्म आई थी मराठी, डोंबिवली फास्ट, हमने सुना। तो किस प्रकार से फास्ट उसकी जीवन शैली है, वो सुबह उसी टाइम पे उठता है, रात को उसी टाइम पे सोता है, और उसे इतना सब। और ऐसे व्यक्ति को अगर आप कहेंगे भगवद गीता क्लास सुनने के लिए आओ, तो सबसे पहला उसका जवाब वही होगा कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। तो हम लोग भगवद गीता से क्या सीख सकते हैं? सर्वप्रथम ये प्रश्न अगर हम पूछे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाने के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना, अगर ये प्रश्न पूछा जाए युद्ध भूमि पर, अर्जुन से श्रेष्ठ भी कई सारे लोग थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के जो के बड़े भाई है वो भी थे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना गीता सुनने के लिए? क्या उनका मित्र था इसलिए? क्या वो सगे संबंधी थे इसलिए? क्या अर्जुन बहुत बड़े योगी थे इसके लिए? कई बार लोग कहते हैं कि भगवद गीता जो है वो आप जैसे विरक्त लोगों के लिए सुनने के लिए अच्छी है। अर्जुन एक गृहस्थ थे और उनके 10 से भी अधिक पुत्र थे। कोई है यहाँ पर जिसके 10 से भी अधिक पुत्र हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना ताकि लोग बहाना नहीं दे सके कि हम लोग जो है वो इतने सारे हमारे बच्चे हैं, ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है। और सर्वश्रेष्ठ हम लोग देख सकते हैं कि क्या अर्जुन के पास समय था, क्या अर्जुन के पास समय था सुनने के लिए? अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, कल्पना करो आप परीक्षा हॉल में प्रवेश किए हुए हैं और अभी प्रश्न पत्रिका आपको मिली हुई है और आप उसका भी उत्तर लिखना प्रारंभ करने वाले हैं, बेल बज चुकी है, क्वेश्चन पेपर्स बांटे गए हैं, आंसर शीट आपके हाथ में आया है, और आप अभी दूसरा कुछ सोचते हैं, कोई व्यक्ति आज शाम को टीवी सीरियल में क्या देखूंगा मैं घर जाने के बाद, ऐसा कोई विचार आएगा नहीं आपके पास, बिल्कुल समय नहीं रहेगा। आप जैसे ही पेपर मिलता है सबसे पहले फटाफट लोग जो है लिखना शुरू करते हैं, आपने भी अनुभव किया होगा परीक्षा देते हुए। तो भी ऐसी परिस्थिति थी अर्जुन की भी कि शंख बज गए थे, मतलब बेल बज गई थी, और क्वेश्चन पेपर भी बढ़ गया था, आपको किन से युद्ध करना है वो भी पता था, और ऐसे में बीच में अर्जुन और श्री कृष्ण रथ पे सब देख रहे कौन कौन योद्धा यहां पर एकत्रित हुए हुए हैं। कल्पना करो युद्ध का सीन हमारे लिए थोड़ा बहुत ऑफ ट्रैक हो जाता है सोचने के लिए। कल्पना करो क्रिकेट का मैच चल रहा है और स्टेडियम में लाखों लोग बैठे हुए इर्द गिर्द और सब फील्डिंग लग चुकी है, टॉस हो गया है, कौन अभी बैटिंग करने वाला वो भी डिसाइड हो गया है, दोनों बैट्समैन अभी जगह लिए हुए हैं, बॉलर रनअप के लिए थोड़ा पीछे आ रहा है और बॉलर बॉलिंग डालने वाला है, उसी के बीच में दोनों बैट्समैन आते हैं
और एक दूसरे से बात करना चालू कर देते हैं। और देखा दोनों बैट्समैन, मेन बैट्समैन और उसका जो पार्टनर होता है, दोनों बीच में स्टेडियम के बीच में आ रहे और चर्चा कर रहे। बॉलर रहा देख रहा अभी मैं बॉल कब डालूं, येलो कब जाएंगे, और सभी पब्लिक जो है लाखों लोग उनकी ओर देख रहे हैं अभी ये दोनों क्या चर्चा कर रहे हैं। और कल्पना करो ऐसे वो लोग एक घंटे तक ऐसे ही खड़ा रहते, आप लोग क्या सोचेंगे। तो वो समय जो है वो इस प्रकार का चर्चा करने का होता है नहीं होता है, केवल आएंगे कुछ सेकंड्स रख के वो पुनः अपना पॉलिसी डिसाइड करके पुनः अपनी अपनी जगह ले लेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवद गीता में ऐसा ही सीन है, दोनों आर्मी है और करोड़ों लोग युद्ध भूमि में दोनों के बीच में आके और दोनों संवाद शुरू कर देते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि लगभग 50 मिनट तक ये दोनों का संवाद चला। तो इस प्रकार से हम अर्जुन के उदाहरण से भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि जीवन में कौन सी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, ये भगवद गीता का संदेश सुनने के लिए समय हमें निकालना ही होगा। जैसे हम लोग बच्चों को उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से, अगर समझो आप ड्राइंग का एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपकी पेंसिल जो है उसका पेंसिल नोकीली होनी चाहिए ना, और उसका जो अगला पॉइंट है वो समझो टूट जाता है या थोड़ा खराब हो जाता है, और आपको अगर कोई शार्पनर लाके दे और कहे कृपया इसको शार्पन कीजिए आपका अगला पेपर अच्छा रहेगा, और वो अगर आपको कहे मेरे पास टाइम नहीं है मुझे इसी से पेपर सॉल्व करना है, क्या वो पेपर सॉल्व कर पाएगा ठीक से? जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पेंसिल का जो एज उसे कहते हैं ब्लंट हो गया है, वो अभी शार्प नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन को अगर हमें इस प्रकार से शार्प करना है तो शार्पनिंग करने के लिए हमें समय निकालना होगा भगवद्गीता के संदेश को सुनने के लिए। तो हम लोग जो हर बुधवार को जो गीतामृत सुनते हैं, हर रविवार को जो श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, वो क्या है, वह एक प्रकार का शार्पनिंग के लिए हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, और बाद में बाकी दुनिया में जाके हम लोग हमारा पेपर सॉल्व करते हैं उस पेंसिल को लेके, और वो पेंसिल है हमारी बुद्धि, जो यहाँ पे आके हम लोग शार्प करते हैं वो तीक्ष्ण हो जाती है ग्रंथों का अध्ययन करके भगवान द्वारा दिया गया संदेश को सुन के, और उस तीक्ष्ण बुद्धि से फिर हम लोग निर्णय लेते हैं और हमारे जीवन में हम लोग आगे जो है वो सफल हो जाते हैं। तो ये जो लोगों का बहाना है कि हमारे पास समय नहीं है, ये केवल बहाना ही है, इसमें कितनी सत्यता है वो हम लोग ही अपने गिरेवान में झांक के देख सकते हैं कि कितना यह सत्य है। तो किस प्रकार से प्लानिंग करने के लिए भी भगवद्गीता कहां कहां पर क्या कहती है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे कि समय का महत्व कितना है, क्योंकि आप लोगों को बताओ चाणक्य पंडित इन्होंने कहा है कि आयुषः क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी न चेत निरर्थकम नीति काच हानिस्ततोधिका। कहते हैं कि आयुष्य क्षण एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी, स्वर्ण कोटि मुद्राएं भी देने के बाद हम हमारे जीवन का एक क्षण भी जो है वो खरीदी नहीं कर सकते, है कि नहीं? सही है। और एक क्षण का जो है वो लॉस होना इससे बड़ा लॉस नहीं है, काच हानिस्ततोधिका, इससे अधिक हानि कौन सी हो सकती है कि हमारे हाथ से जो है वो कुछ क्षण चले जाए। इसलिए एक सुभाषितकार कहते हैं, कृपया मेरे पीछे दोहराइए, नष्टम द्रव्यम लभ्यते कष्ट साध्यम, नष्टा विद्या लभ्यते अभ्यास युक्ता, नष्टारोग्यम सुपचारम सुसाध्यम, नष्टा वेला या गता सागतैव। इसमें कहते हैं कि नष्टम द्रव्यम, अगर आपकी संपत्ति चली जाती है, पैसा चला जाता है, लभ्यते कष्ट साध्यम, पुनः कष्ट करके हम अर्जित कर सकते हैं उस पैसे को मेहनत करके, सही है। हेनरी फोर्ड इनका उदाहरण है, कई बार वो बैंकक्रप्ट हो गए थे, उनके बैंक में एक नया पैसा भी नहीं था, लेकिन उससे फिर ऊपर उठ के वो अभी इस हद तक गए थे, और उनकी कंपनी अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी आगे जो है वो चल रही है। तो मेहनत करके गया हुआ धन हम उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। नष्टा विद्या, अगर हम कुछ पढ़े हुए हैं, कुछ पढ़ाई किया है, अगर हम उसे भूल जाते हैं, नष्ट हो गए हमारी विद्या, लभ्यते अभ्यास युक्ता, पुनः हम उसे जो है वो रिविजन करके पुनः पुस्तकें खोल के उसे प्राप्त कर सकते हैं। नष्ट आरोग्यम, अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, सुउपचारम सुसाध्यम,
अच्छे उपचार लेके, अच्छी दवाई लेके, अच्छे डॉक्टर को दिखा के हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं नष्टा वेला या गता सा गतैवा, लेकिन गया हुआ समय किसी भी हालत में हम उसे वापस नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए समय जो है वो हमें सबसे पहले ये जान लेना है कि समय सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो हमें मिली हुई है। इसलिए समय का महत्व कितना है, एक हम लोग शॉर्ट क्लिप देखेंगे, उसमें जो है वो समय कितना महत्वपूर्ण है और बलशाली हो, इसके बारे में चर्चा की गई है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन, किसी के लिए रुकने वाला नहीं है समय। तो हमने देख लिया कि समय जो है कितना महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में 5 प्रमुख विषय है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो उसमें से एक है काल यानि समय। तो खास करके भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 3 जगह उल्लेख करते हैं समय के बारे में, और वो समय को अपने आप से जोड़ते हैं। तो 3 जगह कौन कौन सी है वो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण, ये सब लोग जानते हैं कि समय कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन जब एक भक्त जानता है कि भगवान श्री कृष्ण समय के बारे में क्या कह रहे हैं, जब उस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, तब समय को देखने का दृष्टिकोण हमारा बदल जाता है। तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में इसके बारे में 2 जगह वर्णन करते हैं। सबसे पहली बार वो कहते हैं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणां। 10वां अध्याय जिसका शीर्षक है विभूति योग, उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है वो कौन कौन सी चीजों में आप मुझे देख सकते हैं इसके बारे में वर्णन करते हैं। तो यहां पर वो कहते हैं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम, सभी दैत्यों में प्रह्लाद मैं हूं, और कालः कलयताम अहम, अमोंगस्ट द सब्ड्यूअर्स आई एम द टाइम, मतलब सभी चीजों का दमन करने में जो नियंत्रक है उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो है वो काल है और वो मैं हूं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमेशा अपने प्रवचन में कहा करते थे, वेर इज हिटलर नाउ, वेर इज नेपोलियन नाउ, ऐसे जो प्रश्न पूछते थे, तो क्योंकि काल के प्रभाव ने उन सबको जो है वो अपने अंदर ले लिया है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बताते कि दमन करने में सर्वश्रेष्ठ जो है वो काल मैं हूं, कालह कलयतामहम। और इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक और जगह अपने बारे में बताते हैं मैं काल हूं किस प्रकार से। तो ये जो काल है इसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे जो दमन करने की शक्ति है उसमें मैं काल हूं, और एक जगह वो बताते हैं कि मैं काल हूं लेकिन उसमें उसका जो है वो गणना है वो अलग से की जाती है। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखम्। इसमें भी भगवान श्री कृष्ण के अक्षराणाम अकारोस्मि, जो अक्षर है उसमें से अ पहला अक्षर जो है वो मैं हूं, द्वंद्व सामासिकस्य च जो समास है संस्कृत में अलग अलग उसमें से द्वंद्व समास मैं हूं, अहम एव अक्षय कालो जो अक्षय काल है वो मैं हूं। काल का कभी क्षय हो सकता है? नहीं हो सकता। काल जो है वो अनंत काल से चलता आ रहा है, वो काल है। लेकिन जब सृष्टि की निर्मिति होती है, जैसे हमने काल गणना प्रारंभ किया है, जैसे अभी 2017 के जनवरी में हमने पदार्पण किया है, तो 2000 साल पहले हम लोग जा सकते हैं, उसके भी और पहले जा सकते हैं, ईसा पूर्व उसके भी और पहले जा सकते हैं, 5000 साल पहले कलयुग की शुरुआत हुई उसके भी पहले जा सकते हैं। तो सृष्टि की निर्मिति हुई कहां से, तो काल गणना जो है वो थोड़ी शुरू हुई होगी। तो सृष्टि की निर्मिति और सृष्टि का लय, ये एक काल गणना है। तो हमारी काल गणना हम लोग किसको देख के करते हैं, सूरज को देख के करते हैं कि सूरज हो गया, सुबह हो गई, सुबह का टाइम शुरू हो गया, सूर्यास्त हो गया, शाम हो गई, रात हो गई, फिर इस प्रकार से हमारी जो है साइकिल चलती है।
तो ये जो सृष्टि का पूरा संपूर्ण टाइम साइकिल है वो सूरज के आधार पर चलता है, लेकिन जब प्रलय हो जाता है जिसे महाप्रलय कहते हैं, जब सूरज भी नष्ट हो जाता है तब समय की गणना किससे होती है? जब सूरज भी जो है वो उसका विनाश हो जाता है तब काल की गणना जो है वो जो शाश्वत काल है वो भगवान श्री कृष्ण यहां पर कह रहे कि वो जो शाश्वत काल है वो मैं हूं, अहम एवा अक्षय कालो। तो अक्षय काल जो है वो जिसका कभी क्षय नहीं होता वो मैं हूं। और भक्त जब ये जान लेता है कि किस प्रकार से जो समय है वो भगवान का ही एक रूप है और उससे हम लोग भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, जब हम समय देखते हैं कि भगवान की ही एक शक्ति है जिसका हम लोग अनुभव कर सकते हैं और उससे फिर हम भगवान की और नजदीक जा सकते हैं, और तब जाके एक भक्त जो है समय का सदुपयोग कर सकता है, दुरुपयोग नहीं। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि भगवान की शक्ति है और भगवान की जो भी शक्ति हमें मिली हुई है उसको हमने जो है वो उसको अपव्यय नहीं करना चाहिए, उसको सदुपयोग हमने करना चाहिए। तभी हम लोग ये सोच सकते हैं जब हमें जान ले कि समय जो है वो भगवान की अलग अलग शक्तियों में से एक शक्ति है। और एक जगह भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जब उन्होंने विश्वरूप दर्शन दिखाया अर्जुन को, अर्जुन भ्रमित हो गए और अर्जुन पूछने लगे, अर्जुन ने प्रश्न पूछा आप कौन हो, तो उसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, श्री भगवान वाच कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा कालोस्मि, मैं जो हूं वो काल हूं। अभी विश्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने और भी कई सारे लोगों को दिखाया था, दुर्योधन के यहां पे जब शांतिदूत बन के गए थे तब उन्होंने दुर्योधन को भी विश्वरूप दिखाया था। माता यशोदा ने कहा था मिट्टी खाई है तुमने मुंह खोलो, तो उन्होंने उसके अंदर भी जो है वो विश्वरूप दिखाया था। तो वो जो विश्वरूप दिखाया और अर्जुन को जो विश्वरूप दिखाया उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? तो बाकी जो जिन जिन लोगों को विश्वरूप दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने वो केवल भगवान का स्पेस एस्पेक्ट कवर कर रहा था, लेकिन जो अर्जुन को दिखाया उसमें स्पेस एंड टाइम बोथ एस्पेक्ट्स वेर कवर्ड। इसलिए ये पहला श्लोक भगवान बताते हैं अर्जुन को, जब वो पूछ रहे कि कौन है आप, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्ध, यहाँ पे सभी का संहार करने के लिए मैं जो हूं वो काल रूप में प्रस्तुत हुआ हुआ हूं। तो यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण, तो हमने देखा कि किस प्रकार तीन जगह 10वें अध्याय में दो बार और 11वें अध्याय में एक जगह भगवान श्री कृष्ण काल को मैं हूं इस प्रकार से हमें बता रहे हैं। तो जब हम समय व्यवस्थापन की चर्चा करते हैं तो इसमें जो है वो दो प्रमुख चीजें होती है, एक है दिशा और दूसरा है दशा। दिशा यानी किस दिशा में हमें जाना है वो है दिशा, जिसे अंग्रेजी में अगर हम कहें तो दिशा को कहते हैं प्रायोरिटी, कि हमें कहां पर जाना है, जो क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और दशा इसको कहते हैं स्केड्यूल। तो समय हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग स्केड्यूल बनाते हैं, मैं सुबह 9 बजे ये करूंगा, मैं 10 बजे ये करूंगा, मैं 11 बजे करूंगा। तो साधारणतया लोग हमें केवल हमारी दशा के बारे में बताते हैं और उसे ही वो टाइम मैनेजमेंट मान लेते हैं। केवल दशा मतलब किस प्रकार से जो आप है ये इस समय ये करो, इस समय वो करो, इस समय ये करो, अपना समय सारणी बना के चलते रहो, इसको वो लोग जो है वो टाइम मैनेजमेंट का नाम दे देते हैं। लेकिन उससे भी पहले जानना महत्वपूर्ण है कि क्या हमारी दिशा सही है या नहीं है। जैसे अगर मैं आपको कहूं बस से प्रवास किस प्रकार से किया जाता है या ट्रेन से प्रवास किस प्रकार से किया जाता है, आपको जो है वो सबसे पहले क्या तय करना होगा? ट्रेन से प्रवास करना है तो सबसे पहला कौन सा मुद्दा हम देखेंगे, कहां जाना है, ये पहला हमारा प्रश्न होना चाहिए।
पहले हम लोग दिशा निर्धारित करते उसके बाद जो है वो दशा, फिर हम लोग 4 महीना पहले रिजर्वेशन करना है, फिर कितना टिकट पैसे भरने पड़ेंगे, कहाँ से हम लोग बोर्डिंग करेंगे, कितने लोग जाएंगे, सब जो है वो सब बाद में आता है। अगर कोई व्यक्ति बाकी सब कुछ चीजें कर रहा है, जैसे एक बार एक व्यक्ति शादी का कार्ड लेके जाता है और बताता है कि मेरे भाई की शादी तय हुई है, कहाँ पर है शादी, ये फलाना मंगल कार्यालय, कौन सी तारीख को है, ये महीने की ये तारीख को जो है वो शादी है, अच्छा कितना दहेज है, इतना इतना अमाउंट का जो है वो दहेज है, सब कुछ बताने के बाद अच्छा किससे कर रहा है शादी, वो सिर्फ होना बाकी है, अभी तय करना बाकी है। मतलब प्रमुख चीज भूल गए और बाकी डिटेल्स को जो है वो ध्यान देने लगे। इस प्रकार से जो है वो बाहरी संसार में जो लोग समय व्यवस्थापन की चर्चा करते हैं कि सब कुछ करना है ठीक से, स्केड्यूल बना लेते हैं, लेकिन भगवद गीता हमें जो है वो सर्वप्रथम भगवद गीता दिशा दिखाती है और उसके बाद हमारी दशा सुधारने के लिए हमारा सहाय करती है। इसलिए ये जो दो पहलू हमने देखे, दिशा और दशा, तो ये दो चीजें होती है, सही कार्य करना और कार्य को सही करना। अंतर समझ रहे हैं आप दोनों में? सही कार्य करना और कार्य को सही तरीके से करना। जैसे कार्य को सही तरीके से करना, मुझे अगर दीवार पे चढ़ना है तो मैं सही तरीके से कैसे करूंगा कार्य? एक बहुत अच्छी सी सीढ़ी लेके आऊंगा, किसी को कहूंगा नीचे से पकड़ो। एक बार एक भक्त यहाँ पे महा क्लीनिंग कर रहे थे, सीढ़ी पे एक चढ़ गए और दूसरे भक्त को भी पकड़ी नहीं रहा था, वो ठक से ऊपर से गिर गए, वो कालिया ब्रेक हो गया, सब उसको रिपेयर करना पड़ा। तो हम लोग ठीक से कार्य को करेंगे, अभी हमने तय किया है दीवार के ऊपर सीढ़ी लाए, किसी को बोलेंगे आप नीचे रहो, उसको सपोर्ट दो, फिर हम लोग चढ़ेंगे, बाद में ऊपर जाके हम लोग देखेंगे तो कार्य को हमने सही किया, लेकिन ऊपर जाने के बाद देखते अरे मुझे ये दीवार पे नहीं आना था, मुझे वो दीवार पे जाना था। तो सबसे पहले क्या हमें तय करना है कि मुझे कौन सी दीवार पे चढ़ना है, उसके बाद बाकी सब कार्य। तो अगर हम सही कार्य करने का निश्चय कर लेते सबसे पहले कि मैं अभी सही कार्य ही करूंगा, उसके बाद वो कार्य को सही करना ये जो है वो द्वितीयम माना जाता है, इट्स सेकेंडरी। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज सही कार्य को करना, इसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिवनेस, और कार्य को सही करना इसको कहते हैं एफिशिएंसी। तो इफेक्टिवनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एफिशिएंसी, और सारा समाज आज जो है वो एफिशिएंसी को महत्व देता है। आपकी उत्पादक क्षमता कितनी है, आप कितना अधिक कार्य कर रहे हैं, लोगों का समय व्यवस्थापन का, जैसे हम लोग कुछ, मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स को समय व्यवस्थापन के ऊपर सेमिनार दिया था, तो मैंने प्रश्न पूछा था आप समय व्यवस्थापन कैसे करते, एक बच्चा तुरंत खड़ा हो गया और कहा मैं कम सोता हूं और समय व्यवस्थापन इस प्रकार से करता हूं। तो क्या केवल कम सोना और अधिक कार्य करना, इसे समय व्यवस्थापन कहा जा सकता है? जी नहीं, भगवान कृष्ण वो भी नहीं अलाउ करते गीता में, नात्यश्नतस्तु योगस्ति न चैकान्तम अनश्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। बहुत अधिक भी नहीं सोना चाहिए और लेकिन बहुत कम भी नहीं सोना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बैलेंस बताते हैं दोनों का। तो इसलिए बींग इफेक्टिव मतलब अगर हम सही कार्य क्या है उसको ढूंढ ले हमारे जीवन में, और उसके बाद उस कार्य को हम लोग सही करने के लिए तरीके ढूंढे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सही कार्य क्या है उसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा कि व्हाट इज इफेक्टिवनेस। स्टूडेंट्स के सामने एक एक्सपेरिमेंट कराया था एक्चुअली, कि तो इसे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बहुत बड़े बड़े पत्थर उसके अंदर डाल दिए और कहा कि क्या वो फुल है अभी, फिर थोड़े छोटे छोटे कंकर डाले, उसके बाद माटी डाली छोटी सी मिट्टी, और उसके बाद जो है उन्होंने जल डाल के उसे जो संपूर्ण भर दिया। अभी कल्पना करो, सबसे पहले वो अगर जल डालते थे पानी, उसके बाद मिट्टी डाल देते थे, और उसके बाद छोटे छोटे कंकर डाल देते थे, तो क्या फिर बड़े पत्थर डालने के लिए जगह रह जाती थी? नहीं। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट प्रायोरिटी मैनेजमेंट। समय व्यवस्थापन क्या है कि हमें जीवन में ऐसे जो बड़े रॉक्स है, जो बड़े पत्थर हमारे जीवन में कौन से है, उनको अगर हम जगह दे दे सबसे पहले, तो छोटे कंकर मिट्टी और पानी जो है वो अपने आप अपनी जगह ढूंढ लेता है।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रायोरिटी, व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, व्हाट आई वांट टू डू विद माय लाइफ। तो ये जो है वो बड़े पत्थर क्या है हमारे जीवन में वो ढूंढ लेना, उनके लिए समय देना और फिर बाकी सब चीजें अपने आप समय निकाल लेती हैं। अगर मैं ये प्रश्न पूछूं आपको, व्हाट वन थिंग कुड यू डू इन योर लाइफ इफ यू डिड ऑन अ रेगुलर बेसिस वुड मेक अ ट्रिमेंडस डिफरेंस इन योर लाइफ। आपको केवल आपके मन में सोचना है कि कौन सी एक चीज है जिसको अगर मैं हर रोज नित्य रूप से ठीक से करता जाऊं तो मेरा जीवन जो है वो परिवर्तित हो सकता है, एक अच्छा जीवन मेरा बन सकता है। ये केवल आपको आपके मन में सोच के रखना है कि कौन सी वो एक चीज है, कोई भी चीज वो हो सकती है, आप उसके बारे में केवल सोच के रखिए अपने मन में। हम पुनः इसके ऊपर आएंगे, इस प्रश्न के ऊपर, कि एक चीज मैं करूंगा सातत्यता से, नियमित रूप से हर रोज और अच्छे से करूंगा तो मेरा जीवन जो है वो और अच्छा और मेक अ ट्रिमेंडस डिफरेंस इन योर लाइफ, बहुत बड़ा जो है वो अंतर मेरे जीवन में लाएगा आज से और उस वो क्रिया करने के बाद वाले जीवन से। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स हम लोग कॉर्पोरेट सेमिनार में इसके बारे में बताते हैं, तो ये चार क्वाड्रेंट्स होते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। तो क्वाड्रेंट वन जो है वो है इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड अर्जेंट थिंग्स, क्वाड्रेंट टू है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, क्वाड्रेंट थ्री है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेंट फोर है नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं कि ये जो चार क्वाड्रेंट हम लोग यहां पर जो बता रहे हैं कि ये जो चार क्वाड्रेंट है इसमें अलग अलग जो भी हम लोग कार्य करते हैं वो चारों में से एक क्वाड्रेंट में हमेशा आते हैं। तो ये फोर क्वाड्रेंट्स ऑफ लाइफ है। कल्पना कीजिए आप अपने ऑफिस से घर आए हैं, अभी जस्ट दरवाजा बंद है और दरवाजे पे आप ये पाते हैं म्यूनिसिपालिटी नोटिस टू वैकेट, आपको तुरंत घर खाली करके चला जाना है, म्यूनिसिपालिटी ने लगा दिया है नोटिस, आपका घर है किसका घर है कुछ लेना देना नहीं, आपको घर खाली करना है 24 घंटे के अंदर, ये नोटिस है मिली हुई है आपको। दूसरा, उसी समय आप देखते हैं घड़ी तो सब याद आता है कि अभी मेरा योगा क्लास का भी समय हो रहा है, मुझे मेरा वजन जो है वो कम करना है, और जैसे आप घड़ी देख रहे हो उसी समय फोन बजता है और देखते फोन पे आपका मित्र बताता है कि अरे याद है आज हम लोग एकत्रित आने वाले थे और हमारा पार्टी होने वाला था डिनर, तो फ्रेंड डिनर के लिए बुला रहा है। थोड़ा समय आप नोटिस के ऊपर सोच रहे हैं और वापस जब घड़ी देखते हैं तब आपको याद आता है अरे मेरा अभी फेवरेट टीवी सीरियल अभी यहाँ पे जो है वो शुरू होने का समय हो गया है। तो ये जो चार गतिविधियां है ये एक्चुअली ये चार क्वाड्रेंट्स में बैठने वाली ये चार गतिविधियां हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो चार क्वाड्रेंट्स है तो इसमें से जो पहली गतिविधि थी आपको बताया गया है कि आपको वैकेट करना है तुरंत, तो आपको उसके ऊपर कुछ कार्य करना पड़ेगा, अभी मैं कहां पर जाऊं, किसको जवाब दूं, किससे मिलूं, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तो दैट प्रॉब्लम हैज बिकम नाउ अर्जेंट एज वेल एज इंपॉर्टेंट टू बी डेल्ट। दूसरा है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है बट नॉट अर्जेंट, योगा क्लास इंपॉर्टेंट है सेहत अच्छी रखने के लिए बट नॉट अर्जेंट। तीसरा है कोई दोस्त है किसी ने बुलाया डिनर के लिए, आज नहीं तो कभी भी जा सकते हैं, अर्जेंट है इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और चौथा, अभी मेरी फेवरेट टीवी सीरियल शुरू होने वाली है, वो किसमें आता है, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भी नहीं है और अभी नहीं किया तो भी जो है वो चल सकता है। तो इसलिए हम जो भी जीवन में समस्याएं हमारे आती है, जो भी हमारी गतिविधियां होती है वो इन चार जो क्षेत्र है यहां पर, इन चारों क्षेत्रों में जो है वो बटी हुई रहती है। तो इसलिए जो पहला क्वाड्रेंट है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट उसे कहते हैं क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट उसे कहते हैं क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी, तीसरा जो है वो अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट उसे कहते हैं
क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन, अर्जेंट महसूस होता है कि अभी करना चाहिए। जैसे हम लोग समझो मीटिंग में बैठे हुए हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और उसके बीच में फोन बजता है, फोन बजता है, हम लोग फोन उठा लेते हैं अर्जेंट समझ के, और बाद में पता चलता है कि यार वोडाफोन कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं, आपका प्लान कौन सा है या नई स्कीम आई हुई है आप लेना चाहेंगे, तो लगता है ऐसा भी अर्जेंट है, कोई अननोन नंबर है, कोई अर्जेंटली मुझे कॉल कर रहा है, बट इज इट इंपॉर्टेंट। तो ये जो है तीसरा क्षेत्र है क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। और चौथा क्षेत्र है नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट इसे कहते हैं, जो टीवी सीरियल देखना वो इसमें आता है। इसलिए चार क्वाड्रेंट के जब चार गतिविधियां हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, जो पहले क्वाड्रेंट में अगर कोई एक्टिविटी है तो डू इट, दूसरी क्वाड्रेंट की एक्टिविटी प्लान इट, तीसरे क्वाड्रेंट की एक्टिविटी निगोशिएट इट, एंड चौथे क्वाड्रेंट की एक्टिविटी ट्रैश इट, उसे जो है हमें केवल ट्रैश में डाल देना चाहिए। अभी मैंने जो आपको पहले प्रश्न पूछा था याद है सबको, क्या प्रश्न पूछा था, सोच कर रखिए कि जीवन में कौन सी एक गतिविधि एक कार्य आप करेंगे जिससे सातत्यता से करने के बाद आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपके मन की बात जान लूं, तो मैं आपको बता दूं कि वो जो आपने कार्य सोचा होगा वो दूसरे क्वाड्रेंट में बैठता होगा, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, सही हूं मैं? हाँ वो दूसरे क्वाड्रेंट में बैठता है। कैसे मैं जान पाया, क्योंकि वो जो दूसरे क्वाड्रेंट वाली एक्टिविटीज है ना वो इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, लेकिन वो अर्जेंट अभी नहीं की तो भी चलता है, इसलिए हम उसे नहीं करते। जैसे नए साल का रिजोल्यूशन कई लोग लेते हैं, 2017 शुरू हो गया है, मैं 1 जनवरी से योगा प्रारंभ कर दूंगा। योगा ऐसी चीज है अच्छी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आज नहीं किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इतना अधिक, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, बाद में करेंगे। तो हम लोग ये जो है, तो इसलिए जो गतिविधियां है वो दूसरे क्वाड्रेंट में आती है, और जो लोग दूसरे क्वाड्रेंट में अधिक समय बिताते हैं वो लोग अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं, और जो लोग ज्यादा समय अपना चौथे क्वाड्रेंट में बिताते हैं केवल वेस्ट एक्टिविटीज करना, वो लोग असफलता अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर हमें जो दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा समय बिताना है कि मेरे सफलता के लिए जो चीज करनी चाहिए वो मुझे करनी है, उसमें क्या बाधा उत्पन्न होती है, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कौन सी है, दो शत्रु समय व्यवस्थापन के, सबसे पहला है दीर्घसूत्रता जिसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन समझते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों, बाद में आगे करने के लिए हम लोग ढकेल देते हैं, कल करूंगा कल करूंगा, कल से मैं शुरू करूंगा योगा, कल से सब कुछ जो हम लोग कल के ऊपर डालते रहते हैं, यह है दीर्घसूत्रता, इसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन द ग्रेटेस्ट एनिमी। और दूसरा है आलस, मैं ये चीज नहीं करूंगा, एक है मैं ये चीज नहीं करूंगा और दूसरा है ये मैं चीज कल करूंगा। तो ये दो जो है वो समय व्यवस्थापन के सबसे प्रमुख शत्रु है, आलस और दीर्घसूत्रता, ऐसा बताते हैं ना, आलस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है ना, आलस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन महात्मा गांधी जी का मैं सुनता हूं, उन्होंने कहा है अपने शत्रु से प्रेम करना चाहिए तो हम उस आलस से प्रेम करते हैं। एक लड़का इतना आलसी था सुबह उठते ही वो आईने के सामने जाता था, एक ग्लास में पानी लेता था भर के और आईने के ऊपर फेंकता था, हो गया मेरा स्नान क्योंकि आईने के ऊपर फेंक दिया पानी, तो प्रतिबिंब जो था उसके ऊपर पानी, अभी हो गया शॉवर, आई एम फीलिंग कूल, हो गया मेरा स्नान हो गया। एक व्यक्ति इतना आलसी था
क्यों कहे कि अगर आलस्यता की कंपटीशन हुई और मुझे सबसे आलसी व्यक्ति घोषित किया गया तो पारितोषिक लेने के लिए मैं किसी और को भेज दूंगा। तो ये है आलस की सीमा। तो हम लोग भी देखते हैं हमारे जीवन में ये दो प्रमुख शत्रु हमारे जीवन में कार्य करते हैं, एक है दीर्घसूत्रता और दूसरा है आलस। तो अभी जो है वो एक टीम उर्बन करके एक व्यक्ति है जिसने प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है और उसका एक टीडी टॉक है, टेट टॉक जिसे कहते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद जो है वो हम लोग भगवद गीता उसके ऊपर कहां पर प्रकाश डालती है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये टीम उर्बन का जो है वो टेट टॉक करके बहुत प्रसिद्ध है, यूट्यूब में उसके लाखों लोग फॉलो करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर ये सेमिनार देते हैं, खास करके उन्होंने बहुत बड़ा बुक भी लिखा है इसके ऊपर। तो संक्षिप्त में उसने क्या बताया कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम उसे आगे ढकल देते हैं, अभी नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हम लोग जो है वो आनंद ले रहे किसी चीज का, इसलिए हम दूसरी चीज को आगे ढकल देते हैं। जैसे मैं रात को अलार्म लगा के सोता हूँ और जब सुबह उठने की बारी आती है तब हम भूल जाते हैं कि मैंने किस कारण के लिए अलार्म लगाया था, और मतलब वो जो प्रायोरिटी महत्व था वो महत्व सवेरे नहीं समझ में आता जब उठने की बारी आती है। तो वो एक आनंद के जोन में रहते हैं हम लोग, जो उसे कंफर्टेबल कोजी जोन कहते हैं। तो उसको उन्होंने नाम दिया है वो मंकी, मतलब एक मंकी एनिमलिस्टिक लाइफ, और वो जो फन के बारे में, केवल आनंद के बारे में सोचता है। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई ऐसा पिस्तौल रोक के जैसे काम करना चाहता है कि अभी इतना समय है, इतने समय में आपको एक चीज करनी है, तो जो पैनिक मॉन्स्टर आ जाता है और वो पैनिक मॉन्स्टर से वो बंदर है वो डरता है और फिर पैनिक मॉन्स्टर काम कर देता है और आपका डेडलाइन जो है वो पूरा हो जाता है। लेकिन जब डेडलाइन नहीं है तो क्या होता है, वो मंकी पुनः ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार से मंकी और पैनिक मॉन्स्टर इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हमेशा चलता रहता है। और वो तीसरा व्यक्ति दिखाता है फिर वो जो था वो रियल डूअर, मतलब रैशनल थिंकर, जो सोचता है कि अभी मैं चीजों को ठीक से करूंगा। तो इसको संक्षेप में एक हम लोग ग्राफ में दिखा सकते हैं। ऊपर है वो क्रिएटिविटी, प्रीक्रेस्टिनेटर एंड प्रोक्रेस्टिनेटर। प्रोक्रेस्टिनेटर मतलब वो ढकेल देता है, आज नहीं मैं बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। और प्रीक्रेस्टिनेटर जो है वो है वो पैनिक मॉन्स्टर, तो फटाफट जो है वो डेडलाइन पूरा करने के पीछे जो हमेशा भागता है। तो ये है पैनिक मॉन्स्टर जिसे हम लोग प्रीक्रेस्टिनेटर कहते हैं, कि जब भी कुछ गतिविधि करनी है तो वो जोर से कार्य करता है और कार्य को पूरा कर देता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एग्जाम के लिए वो प्रिपरेशन करते थे, 3 महीने का समय था, 3 महीने के बाद उनको रिपोर्ट देना था। तो अभी ये महीने में सोचा कि ये इतना करूंगा, दूसरे महीने में इतना, तीसरे महीने में इतना करूंगा, लेकिन पहले और दूसरे महीने में कुछ हुआ नहीं, तो सब कुछ तीसरे महीने में एक साथ इतना सब कुछ उन्होंने कर दिया। तो पैनिक मॉन्स्टर वहां पे जो है वो मदद के लिए आया उनके। और बाकी समय जो है जब ऐसा कुछ डेडलाइन नहीं है करने के लिए, कुछ इतने समय में इतना करना नहीं है, तो उसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी। मतलब वो बंदर है जो केवल आनंद ढूंढना चाहता है, केवल सोना चाहता है, केवल मजा लेना चाहता है, ये है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी। मैं इसी वीडियो को भगवद गीता के दृष्टिकोण से देख रहा था। तो ये जो पैनिक मॉन्स्टर है इट्स नथिंग बट रजोगुण। रजोगुण हमें कुछ कार्यों को पार करने के लिए, कार्य करवाने के लिए मदद करता है, वो है रजोगुण। दूसरा गुण जो हमें कुछ नहीं करने के लिए केवल आनंद लेते रहो इसमें या कल खुश रहो, वो है तमोगुण। और भगवदगीता बोलती है कि इन दोनों के बीच में फाइट हमेशा चलती रहती है, सत्वम रजस चा विभूय रजसत्वम तमस तथा। इसमें दोनों में 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये जो दोनों गुण है, तीनों गुण सत्वगुण, उनके अंदर जो है वो मैं ऊपर इस प्रकार से जो युद्ध चलता रहता है। और जो रैशनल थिंकर उन्होंने जो बताया, हु हैज गॉट विजन, वो देख सकता है ठीक से, वो है सत्वगुण, जिसमें सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी हो सकती है व्यक्ति की। तो बाहर के लोग हालांकि बहुत बड़े बड़े सिद्धांत बताते होंगे, लेकिन जब हम गीता पढ़ते उसके दृष्टिकोण से देखते समझ में आता है कि भगवदगीता में सब कुछ दिया हुआ है, केवल हमें जो है वो उसको उस दृष्टि से देखना प्रारंभ करना है। उसे कहते हैं शास्त्र चक्षु, शास्त्र के दृष्टिकोण से देखना। तो ये जो दो प्रमुख शत्रु हमने देखे, भगवद गीता भी इसके ऊपर प्रकाश डालती है, दीर्घ सूत्रता और आलस।
तो दोनों शब्दों के बारे में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो सबसे पहला है आलस, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। भगवान श्री कृष्ण बताते युद्धस्व विगत ज्वर, विगत ज्वर मतलब श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं गिव अप लिथर्जी एंड फाइट, अपने आलस का त्याग करो और युद्ध करो। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, जो अर्जुन कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आलस त्यागने को और युद्ध करने को अर्जुन को एक प्रकार से आज्ञा दे रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो दीर्घ सूत्र था, जो दूसरा शत्रु है प्रोक्रास्टिनेटर, उसके बारे में भी भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृति कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्चते। उस व्यक्ति को तामस कर्ता कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। जो व्यक्ति जो है वो दीर्घसूत्र, वही शब्द आता है दीर्घसूत्र, यानी प्रोक्रास्टिनेटर है, चीजों को आगे ढकलता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जीना है परसों, आगे ढकलता रहता है। तो वो है अयुक्त, जो अध्यात्म में युक्त नहीं है, प्राकृत भौतिकवादी, केवल सोचता रहता है, स्तब्ध शठो ठगने की प्रवृत्ति उसकी होती है, नष्कृति ना दूसरों का अपमान करता है, अलसह आलसी। तो आलसी और दीर्घ सूत्री दोनों यहां पर आए हुए, तो वो व्यक्ति तामसी करता है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो अगर हम में भी ये अगर गुण है आलस और दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्रता, तो भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि इससे ऊपर उठने का क्या, कैसे ऊपर उठे उससे। तो हमने देखा कि ये दीर्घ सूत्रता और आलस ये जो है वो तमोगुण के लक्षण है। तो अगर हम अपने आप को सत्वगुण में स्थापित कर दे तो ये दोनों अपने आप उनका विनाश हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण फिर उसी 18वें अध्याय में सात्विक कर्ता क्या होते हैं उसके लक्षण बताते हैं। मुक्त संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध सिद्धोर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। धृत्युत्साह समन्वित, धृति यानी दृढ़ता और उत्साह यानी उत्साह, इन दोनों से जो व्यक्ति युक्त होता है मुक्त संघ, उसे कुछ आसक्ति नहीं रहती। अनहमवादी, मैं करता हूं यह भी उसकी सोच नहीं रहती। सिद्ध सिद्धोर निर्विकार, सिद्धि प्राप्त हो या असिद्धि प्राप्त हो उसके बारे में वो सोचता नहीं है, उस कर्ता को सात्विक कर्ता कहते हैं। तो जो व्यक्ति सात्विक गुण का विकास अपने जीवन में करता है वह व्यक्ति आलस्य दीर्घ सूत्रता इनसे परे होके उत्साह और दृढ़ता पूर्वक किसी भी कार्य को वह व्यक्ति कर सकता है। तो इसलिए जो भगवद्गीता है वो हमें बताती है कि किस प्रकार से जब हम सत्वगुण का विकास हमारे जीवन में कर सकते हैं तब व्यक्ति सही में समय व्यवस्थापन के जो दो शत्रु है उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकता है। अब मैं आपको एक टर्म बताने जा रहा हूं जिसे कहते हैं द एक्रेसिया इफेक्ट। हाल ही में मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। एक्रेसिया इफेक्ट क्या है, कुछ बहुत बड़ी टर्म है ऐसा कुछ नहीं, तो केवल यह बताने के लिए जो प्रोक्रास्टिनेशन हम लोग बताते आ रहे हैं ना, दीर्घ सूत्रिता दीर्घ सूत्री, ये कई सालों से कई बरसों से चलता आ रहा है। और ग्रीक फिलोसोफर जो थे ना, सोक्रेटस एरिस्टोटल, इन्होंने इस प्रोक्रास्टिनेशन को नाम दिया था एक्रेसिया। तो एक्रेसिया इफेक्ट क्या है, केवल प्रोक्रास्टिनेशन का ग्रीक नाम जो एरिस्टोटल इन्होंने दिया हुआ था। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग जब रात को सोते वक्त तय करते हैं कुछ चीज करनी है मुझे, और जब सुबह जब अलार्म होता है तो हम लोग हमारे कुछ फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं, लेकिन जो फ्यूचर प्लान्स हम बनाते हैं उसमें जो हम लोग अभी जो कार्य कर रहे हैं उसमें उतने व्यस्त है कि हम लोग भविष्य के बारे में भूल जाते हैं। तो ये एक्यूरेसी इफेक्ट हमें क्या सिखाता है, चॉइस,
तो हमेशा हमारे जीवन में ये दो चयन हमें करने होते हैं, एक है इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन और दूसरा है लॉन्ग टर्म पे ऑफ। तो अगर मैं अलार्म लगाया है सुबह जल्दी उठ के मैं योगा करूंगा, तो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन क्या है, अलार्म को क्या करे, स्नूज करो या बंद करो और सो जाओ, और 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट, इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। भविष्य के बारे में भूल जाओ। हालांकि रात को सोने से पहले हमने ही सोचा था कि मुझे योगा करके मेरी सेहत सुधारनी है, तो हम लोग जब सुबह अलार्म बजता है तो हम उसे भूल जाते हैं। हालांकि अलार्म को धन्यवाद देना चाहिए थे कि जो मुझे चाहिए वो मैं करने के लिए आप मेरी सहायता कर रहे हो, हे अलार्म देवता। लेकिन हम उसे गाली देते हैं और उसे दबा के उसका मुख बंद करना चाहते हैं, शट अप, मुझे डिस्टर्ब मत करो, किसमें, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म पे ऑफ, जो मुझे बाद में मिलने वाला एक अच्छा परिणाम, एक अच्छा फल जो है वो। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में अटक जाता है और आलस और दीर्घसूत्री इसके चंगुल में किस प्रकार से फंस जाता है वो हम एक छोटे से क्लिप से आपको दिखाना चाहेंगे। मैं नहीं तो वो तो सोती रहेगा, कि मतलब मेरा प्रतिकृति है वो। तो इस प्रकार से एक है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और दूसरा है लॉन्ग टर्म पे ऑफ, जो कि भविष्य में हमारी मदद करने वाला है। और इसके बारे में भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बता के रखा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है और लॉन्ग टर्म पे ऑफ क्या होता है। इसके बारे में जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं, विषय इंद्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। तो ये जो तीन गुणों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, रज सत्व और तम, तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, विषय इंद्रिय संयोगात् यत्तदग्रे, शुरुआत में जो अमृत के समान लगता है कि जैसा मैंने तय किया था अभी मैं अलार्म लगाऊंगा, योगा करूंगा सुबह जल्दी उठ के, और जब मैं 5 मिनट की वो नींद ले रहा हूं और नींद लेते लेते नींद ले ही रहा हूं, यत्तदग्रे अमृतोपम, शुरुआत में जो अमृत के समान लगता है लेकिन परिणाम क्या होगा उसका, परिणाम में विषमिव, वो जो परिणाम में जो है वो विष के समान रहेगा, हमारी सेहत बिगड़ जाएगी। और उसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लॉन्ग टर्म पे ऑफ है, अभी हालांकि हमें थोड़ी कठिनाई सहन करनी पड़ेगी, जो रजई छोड़ के हमें जो है वो उठना पड़ेगा, लेकिन जो उसका परिणाम होगा वो कितना जो है वो मधुर होगा। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यत्तदग्रे विषमिव, शुरुआत में वो विष के समान लगता है बेड से उठना रजाई छोड़ के, और खास करके जो अभी हमारा 6 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर चले उसमें पूछना, यत्तदग्रे विषमिव, शुरुआत में विष जैसा लगेगा लेकिन परिणाम है अमृतोपमम, परिणाम जो है वो लॉन्ग टर्म उसका जो है वो अमृत के समान होगा। इस व्यक्ति को जो है वो तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, वह व्यक्ति जो है वो असली में सात्विक सुख के पीछे जा रहा है। तो अर्जुन ने यह सब सुन लिया तीनों गुणों के बारे में खास करके, तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, इन तीनों गुणों से परे कैसे जाया जा सकता है, जब हम जानते हैं कि इस ये गुण का परिणाम ये है, ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, तामस व्यक्ति नीचे जाता है, रजोगुण वाला व्यक्ति वही रहता है और सत्वगुण वाला व्यक्ति उसका विकास हो सकता है। तो ये तीनों गुणों से परे किस प्रकार से जाना चाहिए था, ये जब प्रश्न पूछता है तो जवाब में भगवान श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि रामबाण उपाय, जिसे कहते हैं ना कि एक सर्वश्रेष्ठ उपाय जिससे हम लोग तीनों गुणों से परे जा सकते हैं, वो भगवान कहते हैं, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्यैता ब्रह्म भूयाय कल्पते माम च यो अव्यभिचारेण, जो व्यक्ति मेरी अव्यभिचारी, किस कौन सी अव्यभिचारी, क्या, भक्ति योगेन,
जो अव्यभिचारी भक्ति में जो व्यक्ति लगा हुआ है, सगुणान समतितेतान, वो ये तीनों गुणों को जो है वो पार करके जा सकता है हे अर्जुन, और ब्रह्म प्लेटफॉर्म पे स्तर पे वो व्यक्ति आ सकता है। तो जब हम इस प्रकार से सात्विक जीवन शैली, और भगवान श्री कृष्ण इस हद तक बता रहे कि सात्विक से भी ऊपर भगवान की भक्ति जो है वो सात्विक से भी ऊपर का स्तर है, और अगर हम हमारा सात्विक जीवन शैली, सात्विक खान पान आहार, सात्विक संग, केवल सब सात्विक रखेंगे तो हम लोग जो है वो ये प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस, आलस और दीर्घसूत्री, इन दोनों शत्रुओं के ऊपर मात कर सकते हैं। और जब हम खास करके भगवान की भक्ति में लगते हैं, तब हमने देखा कि हम समझते हैं कि जो समय है वो भगवान की शक्ति है, और उसको जो है वो भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो किस तरीके से अपना समय बिताता है जानते हैं आप लोग? बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से समय बिताता है। प्रातः द्युत प्रसंगेन, मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, रात्रौ चौर्य प्रसंगेन, कालो गच्छति धीमताम, कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से अपना समय व्यतीत करता है। सुबह जो है वो जुए के बारे में चर्चा करता है, मध्याह्न के समय में स्त्री के बारे में चर्चा करता है, और रात के समय में चोरी के बारे में चर्चा करता है। आप लोगों ये कैसे हो गया? हम लोग कुछ और सोच रहे थे, बुद्धिमान व्यक्ति किस प्रकार से समय व्यतीत करता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि प्रातः द्युत प्रसंगेन, द्युत प्रसंग कहाँ पे आया है? महाभारत में आया है। तो सुबह वे व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत महाभारत की चर्चा से करता है, मध्याह्न स्त्री प्रसंगेन, मध्याह्न में वो रामायण के बारे में चर्चा करता है जिसमें स्त्री प्रसंग यानी सीता महारानी के बारे में आया है, और रात्रौ चौर प्रसंगेन, और रात्रि के समय में वो चोर, सबसे प्रमुख चोर है वो भगवान श्री कृष्ण, तो शाम को वो श्रीमद भागवतम के ऊपर चर्चा करता है। इस प्रकार से वह व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय जो है वो व्यतीत करता है। इसलिए कहा जाता है ना, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो प्रभु राम से। तो ये जो काम में हम लोग बिजी लगे हुए हैं, समय नहीं है, व्यवस्थापन नहीं है, तो समय का व्यवस्थापन करने का सबसे आसान तरीका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दे के रखा है। हमने देखा ना वो टीम का, आप जो वीडियो देखा, ये जो लोग भारी जो बता रहे हैं वो केवल हमें दशा सुधारने के लिए बता रहे, लेकिन भगवद गीता जो है वो हमें दिशा देती है। भगवद गीता हमारे जीवन को केवल इफिशियंट नहीं बनाती, भगवदगीता हमारे जीवन को इफेक्टिव भी बनाती है। भगवदगीता केवल दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं देती, भगवदगीता जो हमें सही दीवार भी दिखाती है कहाँ पर चढ़ना है, और तीनों गुणों में जो कि लड़ाई होती रहती है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं सूत्र कि तीनों गुणों से भी परे हम लोग जा सकते हैं जब हम भगवदगीता के संदेश को स्वीकारते हैं और इस तरह हम हमारा समय बिताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।